कुछ दिन पहले ना गाइस, मैंने आप लोगों से एक कम्युनिटी में पूछा था कि मैं राखी का हैम्पर के लिए प्लानिंग कर रही हूँ, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो देखने के लिए। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, तो उसी के तहत ना मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया और एक लाइव वीडियो होगा गाइस, और वीडियोस काफी लंबे होंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स में जो भी रेसिपीज है वो बनाएंगे। सिंस लाइव वीडियोस है गाइस, तो आपको उसी तरह ही देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वीडियो में ना आप देखोगे कि मेरे साथ छोटा सा एक एक्सीडेंट भी हुआ, तो वो भी इंक्लूडेड है। मैंने बहुत ज्यादा कुछ भी एडिटिंग नहीं किया, क्योंकि एडिटिंग करने जाऊंगी तो उसमें टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। और मैं जैसे जैसे जो कर रही हूँ उसी के हिसाब से आप लोगों के साथ वो शेयर किया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे हैम्पर रेडी करते हैं। तो फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ वीडियो में ना आपको रेसिपीज मिलेंगे, और जो थर्ड पार्ट रहेगा वीडियो का उसमें आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वो सब चीजों को लेके कैसे मैंने तैयार किया है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है थोड़ा लंबा है, बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी स्वीट एंड केक्स। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज ऑफ वीडियो अगर अच्छा लगे ना गाइस, तो जरूर एक लाइक दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल में पहली बार हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो लोग मेरे से पहले से ही जुड़े हैं उनको थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो तीनों वीडियो जो रहेगा ना उसका एक प्लेलिस्ट रहेगा राखी हैम्पर करके, तो आपको ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपको वहां जाना है और वीडियोज को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले ब्राउनीज बनाएंगे, तो ब्राउनीज के लिए ना मैं ये पहले कट कर रही थी, अभी आपने देखा होगा। तो कैसे प्रॉपरली कट करना है ना, ब्राउनीज के लिए स्पेसिफिकली कट करना होता है, कैसे करना होता है ना वो अगर आपको देखना है ना, इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए कि कैसे मैं ब्राउनीज के लिए वो पेपर कट कर रही हूँ। ये ना मैंने एक 6 इंच केक पेन लिया है स्क्वायर का, और इसी का ही मेजरमेंट में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके इसको अभी कट करना है। तो अब देख लो मैं कैसे कट कर रही हूँ, बस उसी हिसाब से आपको कट करना है। और ये ना मैंने लिया है बेकिंग पेपर, या फिर जो पार्चमेंट पेपर बोलते हैं वो, आपको बटर पेपर नहीं लेना है गाइस, ठीक है, क्योंकि बटर पेपर में ब्राउनीज अच्छे से डीमोल्ड नहीं होता है, ओके। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसको सेट करना है। बटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये करने के बाद अब एक एक ऐसे ना मेटल क्लिप आता है मार्केट में, जो कपड़ा सुखाने के लिए आता है ना वही, बट मेटल का होता है, एक एक ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ताकि ना पार्चमेंट पेपर जो लिया है वो फिक्स रहे, ठीक है। तो कितने अच्छे से ये लाइन हुआ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्मूथ लाइनिंग होना जरूरत है। इसको रखते हैं साइड, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अच्छा, पेन को रेडी करने के बाद ना यहाँ पर मैंने लिया है 40 ग्राम्स बटर, और ये ना जो सॉल्टेड नॉर्मल अमूल बटर आता है वही है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हो तो फिर आपको फिर बटर में ना सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा 1/4 टीस्पून। अब इसमें क्या करेंगे, मैं एक वेइंग मशीन ले रही हूँ, और वेइंग मशीन को प्लेस करेंगे, इसको प्लेस करेंगे, इसको टेयर कर लेंगे, और इसमें अब ऐड करेंगे हम क्या, डार्क चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पर 2M कंपनी का लिया है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, इट डजेंट मैटर, 2M हुआ, वैनलियर हुआ, मॉडे हुआ, किसी का भी आप ले सकते हो, कंपाउंड लिया है मैंने, आप चाहो तो प्योर भी ले सकते हो, बट यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिया है, ओके। और यहाँ पर चॉकलेट कितना ऐड करना है, कंपाउंड 120 ग्राम्स, ओके, धीरे धीरे करके ऐड करिए। अब क्या करेंगे, इसको ना माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स इंटरवल में इसको मेल्ट करना है, ओके। पहले 30 सेकेंड्स देंगे तो आप देखोगे ना बटर मेल्ट हो जाएगा, हाँ, चॉकलेट थोड़ा थोड़ा मेल्ट होगा, तो उसमें पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से 30 सेकेंड्स देंगे और चॉकलेट और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर मेथड में भी कर सकते हो, इसको एक कांच का बोल में या फिर स्टील का बोल में लीजिए, बटर एंड चॉकलेट को नीचे एक बोल में पानी रखिए,
पानी थोड़ा सा वार्म करिए, मतलब उसमें बबल्स आना चाहिए। और एक बात जो ध्यान में देना है, जो बर्तन में आपका चॉकलेट और बटर है ना, उसका बेस को पानी नहीं टच करना चाहिए, मतलब पानी थोड़ा कम लीजिए, ओनली स्टीम लगना चाहिए, और उससे फिर आप मेल्ट कर लो, वो भी चलेगा। तो चलिए अब इसको मेल्ट करके लाते हैं माइक्रोवेव से। 30 सेकेंड्स के बाद ना गाइस, ये थोड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं मैंने जैसे बताया ना, कैसे दिखाऊं, बटर मेल्ट हो जाएगा बट चॉकलेट अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है। तो अभी जब तक चॉकलेट पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा, मतलब और 30 सेकेंड्स में ये हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होगा। अभी भी चॉकलेट थोड़ा थोड़ा मेल्ट हुआ है बट बटर पूरा मेल्ट हो गया है। ओके, तो चलिए इसको मैं और 30 सेकेंड्स अभी देख के लाती हूँ। तो ये आप अभी देख सकते हो मेल्ट हो गया है, ठीक है। टोटल मुझे 1 मिनट लगा ये मेल्ट करने के लिए। इसको थोड़ा टाइम साइड में रखते हैं। जब तक मैंने क्या किया है ना, यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना पानी मैंने लिया है और इसको वार्म कर लिया, थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और उसमें 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मेक श्योर करो कि कॉफ़ी ना पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए, और कोई भी चॉकलेट का चीज़ में अगर आप कॉफ़ी पाउडर ऐड करते हो ना, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। और इसको भी अभी करते हैं साइड। ये हमारा अभी ठंडा हो गया है, इसमें अब ऐड करेंगे हम लोग कंडेंस्ड मिल्क। और कंडेंस्ड मिल्क जाएगा कितना, वेइंग मशीन ले लेंगे, ठीक है, 0 है, और इसमें कंडेंस्ड मिल्क अभी ऐड करेंगे। तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क जाएगा अभी कितना, 200 ग्राम। आप होममेड भी ले सकते हो या फिर मार्केट का भी आप यूज कर सकते हो। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, बट डिलीशियस है। और इसमें मैं अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। एंड जो कॉफी का मिक्सचर बनाया था ना उसको, और इसको अब मिक्स करेंगे अच्छे से। आप चाहो तो एक विस्क का भी हेल्प ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए ना ये है, एक सीव लेंगे, और ये है 35 ग्राम्स ऑल पर्पज फ्लावर या फिर मैदा। ओके, इसमें ऐड करेंगे कोकोआ पाउडर 3 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून जाएगा कॉर्नफ्लावर, एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से छान लेंगे इसके ऊपर। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत कम रहता है फ्रेंड्स। जैसे आप ब्राउनीज बनाओगे ना, ब्राउनीज में हमेशा जो मैदा का क्वांटिटी ना, वो थोड़ा कम रहता है कंपेरेटिवली चॉकलेट एंड बटर। ओके, तभी जाके आपका ब्राउनीज टेस्टी बनता है। इसके लिए ब्राउनीज ना थोड़े कॉस्टलियर भी होते हैं। ये हो गया, छान लिया हमने। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लीन भी करेंगे इसको बीच बीच में। अब कुछ नहीं, मिक्स करना है इसको, दैट्स इट। और ब्राउनी बैटर थिक भी होता है थोड़ा। ओके, सो इसमें दूध वगैरह कुछ भी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और ओवर मिक्स भी नहीं करना है, ठीक है। तो ब्राउनी बैटर रेडी है, कितना डिलीशियस दिख रहा है, करेक्ट। अब इसको पोर करेंगे जो पैन हम लोगों ने रेडी किया था उसमें। अब इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से सब जगह इक्वली। ये कितना थिक बैटर है आप लोग देख सकते हो, तो इतना थिक चाहिए हमें। बैटर अच्छे से इवनली स्प्रेड हो गया है। इसको क्या करेंगे ना, अभी इमीडिएटली बेकिंग के लिए नहीं रखेंगे। ब्राउनीज ना कभी भी तुरंत बेक नहीं होता है, हमेशा इसको थोड़ा टाइम बाहर में रखना होता है काउंटर टॉप में, जैसे 8 to 10 मिनट्स, देन बेकिंग के लिए रखता है। ये क्यों करना पड़ता है मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मैं अपने लिए 1 कप चाय लेकर आती हूँ, और जो सेकेंड रेसिपी है ना उसका रेडी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ बेकिंग के लिए हम लोग डालेंगे। अब मैं ओवन को प्रीहीट करने के लिए भी रख के आऊंगी, और 1 कप चाय मेरे लिए लेके आऊंगी, आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स मेरा चाय, और अभी टाइम ना देखो 4:30, 4:30 हुआ है। तो मुझे ये सब 1 घंटे में कंप्लीट करके मैं जाती हूँ जिम 5:30 बजे। तो मुझे ये करके बेकिंग हो जाएगा और मैं जिम जाऊंगी।
फिर बाकी का काम बाद में करेंगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही करना होता है गाइस। और मैं ना ये सब रेडी थोड़ा थोड़ा जैसे मेजरमेंट करके ये सब ना ऐसे रख लिया था ताकि मैं एक रेसिपी के बाद दूसरा रेसिपी इमीडिएटली बना सकूं। तो जब तक हमारा ब्राउनीज थोड़ा सा सेट हो रहा है तब तक जो हमारा दूसरा रेसिपी है एक टी टाइम केक बनाएंगे, ड्राई फ्रूट्स वाला बना सकते हो, नट्स वाला बना सकते हो, आपके ऊपर है, उसका रेडी करेंगे। तो उसके लिए जो चाहिए सबसे ना पहले एक बोल लेना है, जस्ट अ मिनट। तो गाइज अभी आप देख सकते हो इसमें दही दिख रहा है ना, दिख रहा है कुछ लगा हुआ, ये इसके लिए कि मैंने इसमें दही डाल दिया था बट सूट करना भूल गई थी, तो वापस से मैंने इसको ये बोल में निकाला ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं, ठीक है। तो ये है ना आधा कप दही। तो कभी कभी अब जब आप अकेले काम करते हो ना ऐसा मिस्टेक बहुत हो जाता है क्योंकि कैमरे के पीछे कोई नहीं होता है, आपको सब कुछ खुद ही देखना होता है तो हो जाता है। तो ये आधा कप दही है और दही में अभी क्या करेंगे हम लोग, आधा कप शुगर लेंगे और ये ना मैंने कैस्टर शुगर लिया, अगर कैस्टर शुगर ना हो तो सेम क्वांटिटी का पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हो। इसी में ही अब ऐड कर लेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, ओके, और ये सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तब देखोगे ना बेकिंग सोडा और जो दही का जो खट्टापन होता है ना वो रिएक्ट होके ऐसे बबल्स फॉर्म होता है, ठीक है, इसी से ही केक हमारा अच्छा बनता है। इसको इसी तरह 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे एंड देन बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, ये 1/2 टीस्पून है इसके लिए मैं 2 बार डाल रही हूँ, 1/4 कप ऑयल, ऑयल के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बटर। अगर आप बटर नहीं ऐड करके ना पूरा 1/2 कप ऑयल भी ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो, बट टेस्ट के लिए मैं आधा बटर एंड आधा ऑयल ऐड कर रही हूँ, ओके। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर एक सीव रखेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीव कर लेंगे। तो उसमें है 1 कप मैदा। अच्छा सारे चीज़ों का ना जो ग्राम में मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, ये 1 टेबलस्पून हुआ। मिल्क पाउडर से ना केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ओके। और ये होने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ओके, और ये सारी चीज़ों को अब सीव कर लेंगे। सॉल्ट नहीं चाहिए, अगर मैंने बटर ऐड किया ना सॉल्टेड वाला इसके लिए, अगर आप सॉल्टेड वाला बटर नहीं यूज़ कर रहे हो पूरा ऑयल यूज़ कर रहे हो इन दैट केस थोड़ा सा सॉल्ट जरूर ऐड करिए तभी जाके ना टेस्ट अच्छा भी आएगा, हो गया। इसको अब मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ना बैटर थिक लग रहा है ना, तो इसमें अब ऐड करेंगे दूध थोड़ा थोड़ा करके, वार्म मिल्क है ये, बहुत ठंडा नहीं है, थोड़ा सा वार्म किया है मिल्क को और उसको ऐड करेंगे। तो ऐसे रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। अब इसको पोर करेंगे बेकिंग पैन में। अच्छा अभी आप बोलोगे मैम आपने तो बताया नहीं कौन सा बेकिंग पैन में बेक करेंगे या फिर बेकिंग पैन को लाइन भी नहीं किया है, तो गाइज मैं दिखा रही हूँ क्या करना है। तो गाइज अब इसको ना बेक करेंगे हम लोग ऐसे जो सेल्फ बेक आता है ना मोल्ड पेपर का, इससे। तो इसका जो लेंथ है ना 8 इंच है और हाइट जो है ऑलमोस्ट 2 इंचेस का है, ओके। तो इसमें बेक करेंगे क्योंकि ये गिफ्ट हैम्पर में जाने वाला है इसके लिए, ओके। तो चलिए इसमें अभी बैटर को पोर कर लेते हैं और इसमें ना बैटर को 3/4 तक ही फिल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज जब ये बेक होगा ना तो बैटर आपका ओवरफ्लो हो सकता है। और बाकी के जो बैटर्स हैं ना गाइस मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि अगर आपको मिनी हैम्पर रेडी करना है तो इसके लिए आप ऐसे छोटे वाले जो एल्युमिनियम का आता है ना और ये बहुत सस्ता आता है उसमें आप पोर कर लीजिए एंड बेक करिए, तो ये भी हैम्पर में देने के लिए काम में आता है। रैप कर लेंगे और इसको गार्निशिंग करेंगे ना ऐसे थोड़ा सा पिस्तासियोस एंड थोड़ा सा आमंड से, ओके, ठीक है, और थोड़ा सा ना ऐसे प्रेस कर लो। और ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है 160 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट्स के लिए। तो इन सारी चीजों को ना आप बेकिंग के लिए रखेंगे, तो बेक करेंगे हम लोग 160 डिग्री सेंटीग्रेड में 25 टू 30 मिनट्स
और जब तक ये बेक ना हो जाए। जैसे छोटे छोटे कपकेक्स जैसा है ना, ये जल्दी बेक हो जाएंगे, ब्राउनीज भी जल्दी हो जाएगा। तो टाइम ना आप अपने ओवन के हिसाब से देख सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है। मेरे ओवन में ये 30 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे। तो चलिए बेकिंग करते हैं, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ब्राउनीज को हम लोगों ने जो बैटर बना के पोर करके उसको रेस्टिंग के लिए क्यों रखा। ओके, तो चलिए इसको अभी बेक कर लेते हैं। गाइज ये देख सकते हो अभी क्या हुआ। अभी मैं बेकिंग के लिए लेके जा रही थी और मैं वहां पे स्लिप हो गई, एक मैट था, पर मेरे यहाँ पे कितना जोर से चोट लगा। लकीली जो ब्राउनी का ट्रे था ना गाइस, जो सीधा गिरा था, तो उसमें से कुछ भी नहीं होता, उसको मैंने बेकिंग के लिए रखा। और जो लोफ केक ना, वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ था, तो बैटर बाहर कुछ भी नहीं निकला था, बट एक जो कपकेक ऐसा वाला बनाया था ना हम लोग, वो पूरा खराब हो गया, पूरा गिर गया, उसको मैंने फेंक दिया। एक बच गया और ये भी थोड़ा सा मेसी हो गया, बट स्टिल आई विल बेक इट। तो चलिए इसको भी बेकिंग के लिए रखते हैं। तो ये है मेरा ओवन, तो इसमें अब डालेंगे इसको बेक होने के लिए। और ये जो कप में बनाया था इसको भी, ओके। और टाइम और टेम्परेचर मैंने सेट कर लिया है, तो अब लगाएंगे इसमें मेडिसिन। क्या हुआ ना गाइज, वहां पे एक डोरमेट मेरा था, रास्ते पे, रोड पे बोल रही हूँ, रास्ते में एक डोरमेट था, और आप देख सकते थे ना मेरे दोनों हाथ में था बेकिंग के लिए, एक हाथ में ब्राउनीज का ट्रे और एक हाथ में जो केक हम लोगों ने बेक किया, बेक करने के लिए रखने थे ना वो। तो मेरा पैर डोरमेट पे गिरा, मतलब पड़ा जो भी है, और ऐसा स्लिप हो गया। होता है गाइज, जैसे मैंने बताया ना, कभी कभी होता है। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक सेकंड ना, हाँ यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, इसमें चूड़ी था ना और लग गया, कोई बात नहीं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ब्राउनीज जब हम लोगों ने उसको पैन में पोर किया ना, इमिडिएटली मैंने बेकिंग नहीं किया। अभी जनरली हम लोग केक जब भी बेक करते हैं ना गाइस, पोर करते ही उसको प्री हीटेड ओवन में रखते हैं, बट ब्राउनीज में ऐसा नहीं है। जब आप उसको रख देते हो ना थोड़ा टाइम काउंटर टॉप पे 8 to 10 मिनट्स के लिए, एंड देन बेकिंग के लिए रखते हो, तो जब आप रखते हो ना, उसके ऊपर एक स्किन, एक लेयर फॉर्म हो जाता है, स्किन फॉर्म हो जाता है। ओके, जब फॉर्म होता है और बेकिंग के लिए रखते हो, तब क्या होता है, वो जब ओवन के अंदर जाता है ना, वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो जो क्रिंकल टॉप आता है ना ब्राउनीज में, इसी के लिए आता है। इसके लिए ब्राउनीज को कभी भी इमिडिएटली बेकिंग नहीं करते। इसके बाद और एक ट्रिक है जिससे कि क्रिंकल टॉप आता है, वो बेकिंग के बाद हम लोग करते हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगी अगर इसमें हुआ तो। क्योंकि बैटर थोड़ा गिर गया था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मुझे पता नहीं कैसा होगा, बट ये ना मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है गाइस। लेकिन मैं दिखाऊंगी वो मेथड, आप लोग जब बेकिंग करो ना, तब वो ट्रिक जरूर फॉलो करना। ओके, प्रे करिए कि ये अच्छे से, इसका भी जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो मिल जाए। तो जब बेकिंग हो जाएगा ना, तब मैं आपसे मिलूंगी, और तब तक मैं जितना जो फैला हुआ है ना, सबको थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत पेन हो रहा है, पैर पे भी लगा है, देखते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, जब तक वो बेक हो रहा है ना, जो और एक आइटम है उसको बना लेते हैं। बहुत क्विक वो बनता है, एकदम फटाफट बनेगा, थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए, वो मैं बताऊंगी आपको। तो अभी तक ना जो एक छोटू वाला कपकेक था ना, कपकेक तो नहीं, जो एल्युमिनियम फॉइल में बेक किया था छोटू वाला, वो बेक हो गया है, तो उसको मैंने निकाल दिया है। जैसे मैंने बताया था ना, टाइम आपको देखना पड़ेगा, डिफरेंट तरह का चीज हम लोगों ने डाला है एक साथ बेकिंग के लिए, तो कोई आगे कोई पीछे होगा, तो एक नजर जरूर उसके ऊपर रखिए। तो अभी जो बनाएंगे ना, चॉकलेट बॉक्स व्हाइट में बनाएंगे एंड डार्क में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, कैसे क्या करना है, चलिए मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ना मैंने दो तरह का नट्स लिया है, आमंड फ्लेक्स लिया है और पिस्तासियो फ्लेक्स लिया है, और लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड एंड व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है ना गाइस, ये जो जितने भी जो नट्स है ना, इनको हमें रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के लिए आप कढ़ाई का यूज कर सकते हो, ओटीजे का यूज कर सकते हो, या फिर माइक्रोवेव का भी यूज कर सकते हो। मैं यूज करूंगी माइक्रोवेव को, सिंस ये ना स्लाइस किया हुआ है छोटे छोटे पीसेस हैं, तो बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाएंगे। तो 30 सेकंड्स दे के मैं इसको रोस्ट करूंगी, जब तक ये थोड़ा सा क्रंची ना हो जाए और टेस्ट इसका ना आ जाए, ठीक है। पहले इसको रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ठंडा होगा तभी जाके आगे जो बनाना है ना वो हम लोग बना पाएंगे।
तो फ्रेंड्स मेरा जो ब्राउनी है ना बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, अगर आप देख सकते हो इसका क्रिंकल टॉप। ओके, और मैंने बताया था ना इसको बेक करने के बाद जो स्टेप हम लोग करेंगे इसके ऊपर और क्रिंकल टॉप लाने के लिए वो मैं दिखाऊंगी। उसके लिए क्या करना होगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, ये जो बेक होने के बाद ना गाइस इसको आपको गरम ही, जब गरम रहेगा तभी ही आपको इसको ऐसा टेप करना है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका और भी ज्यादा क्रिंकल टॉप आएगा, तो ऐसे दो बार आपको ऐसा करना है। तो आप देखो इसका क्रिंकल टॉप, अभी मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी आपको। और ये एक तो छोटू सा था वो भी बेक हो गया, जो बड़ा वाला लोफ है वो अभी भी बेकिंग हो रहा है। ओके, तो अभी मैं इनको आपको पास से थोड़ा दिखाती हूँ, देन जो नेक्स्ट बनाने वाले हैं रेसिपी वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखो कितना अच्छे से ये बेक हुआ है, परफेक्टली क्रिंकल टॉप आपको दिख रहा है, पास से अगर दिखाऊं दिख रहा है ना। तो ये जो दो सिंपल टिप्स मैंने आप लोगों को दिया उसको फॉलो करिए, आपका सब ब्राउनीज में ना क्रिंकल टॉप आएगा। सब नहीं, रेसिपी भी होना चाहिए, खाली ये टिप्स से नहीं। अब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, पैन से अभी नहीं निकालेंगे, इसको ठंडा होने देंगे, देन इसका स्लाइस करेंगे फ्रिज में एक घंटा रखने के बाद, ठीक है। इसको अभी साइड में मैं करती हूँ, स्टिल वार्म है ये। और ये जो बैटर लग गया था, एक कप केक गिर गया था ना उसका बैटर, ये लग के ऐसा जल ऐसा हो रहा है। और ये वो परफेक्टली बेक हुआ है, थोड़ा सा ये जगह मेसी हो गया है बट ठीक है, इसको निकाल देंगे हम लोग। ओके, और वो लो पेन अभी भी बेक हो रहा है। गाइस ये एक लाइव क्लास है, इसके लिए जो जैसा है ना मैं वैसे ही दिखा रही हूँ, कुछ भी ज्यादा एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए जो गिरी वो भी दिखाया, जो चोट लगा वो भी दिखाया, फिर कैसे उसको बेक किया वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अब ये देखो आप रोस्ट होके मैंने लेके आ गई इसको, आमंड्स एंड पिस्ता सियोस। अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है चॉकलेट्स को मेल्ट करना है। ओके, तो चॉकलेट्स को हम लोग मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में, अगेन 30 सेकंड्स इंटरवल में। अगर माइक्रोवेव में नहीं करना है तो डबल बॉयलर मेथड में कर सकते हो, नीचे एक बोल में पानी रखिए, ऊपर चॉकलेट रखिए एंड स्टीम से उसको मेल्ट करिए, ठीक है। बट एक बात जो ध्यान में रखना है कि जो चॉकलेट का जो बोल है ना उसको नीचे का बर्तन का पानी टच नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी चलिए चॉकलेट्स को मेल्ट कर लेते हैं। उसके लिए तो एक बोल लेंगे और इसमें लेंगे 125 ग्राम व्हाइट चॉकलेट, सिमिलरली और एक बोल में लेंगे 125 ग्राम डार्क चॉकलेट और दोनों को मेल्ट करेंगे जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही। तो फ्रेंड्स ये भी अभी बेक हो गया है जो लोफ था ना वो, और चॉकलेट तो अभी मेल्ट हो रहा है, 30 सेकंड्स में देख के आई, बहुत अच्छे से बेक हुआ है। बट जैसा मुझे चाहिए था रिजल्ट वैसा मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स ये जगह पे था ना वो अंदर चला गया है, इतना ऊपर से वो गिरा इसके लिए, ठीक है। बट स्टिल ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, और इसको अभी ठंडा होने देंगे। और कल ना हम लोग गिफ्ट हैम्पर कैसे रेडी करेंगे वो सब देखेंगे ये सारी चीजों से। चॉकलेट्स को मेल्ट करने के बाद तो फ्रेंड्स जो व्हाइट है ना उसमें मैं ऐड कर रही हूँ येल्लो कैंडी कलर और रसमलाई का एसेंस थोड़ा सा ही, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऐसे चॉकलेट्स रहेगा ना तब भी अच्छा लगेगा। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आमंड एसेंस और इसको मिक्स करेंगे। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसा एक बेकिंग पैन लेंगे, कोई सा भी आप ले सकते हो, और इसमें ना अब इसको पोर करेंगे। आप ना पार्चमेंट पेपर भी ले सकते हो अगर ऐसा सिलिकॉन मैट नहीं है तो। इसको स्प्रेड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा टैप कर लोगे ना स्प्रेड हो जाएगा, आप रेंडमली ऐसे स्प्रेड कर लो। अब इसमें पिस्ता सियोस ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेना ऐसे ऐड करके। आप चाहो तो इसमें रोज पेटल्स भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा रोज पेटल्स ऐड करते हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे ज्यादा नहीं। ओके, इसको भी ऐसे पोर कर लेंगे
इसको ना थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे ऐसे। और थिकनेस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ज़्यादा कम, जैसा आपको ठीक लगे। हो गया। और अब इसमें ऐड करेंगे आमंड का फ्लेक्स। अब ये इसको फ्रिज में रखेंगे और सेट होने के लिए, और सेट होने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है इसको। ठीक है, अब इसको मैं रखते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें बनाना सीखा, एंड कल हम लोग बनाएंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, एंड देन उसका गिफ्ट हैम्पर करना भी देखेंगे। सो टिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कल का वीडियो ज़रूर देखिए।